गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बिफोर वी हैव लर्न्ड अबाउट व्हिच वन वेंट ऑफ फैक्टर, है ना. वेंट ऑफ फैक्टर ऑलरेडी हैव डिस्कस, बट इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस फॉर्मूलाज आर देयर. सो वॉट इज दैट? जस्ट एग्जाम्पल फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी बाई पी नॉट, दैट इज एक्चुअली इट इज कमिंग एक्स टू. बट वेन यू आर अप्लाइंग फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यू हैव टू अप्लाई द वेंट ऑफ फैक्टर. दैट मीन्स P not 1 minus P1 by P not 1 equals to I into X2, or X2 instead of X2, what you can write down here, N2 by N1 plus N2, or N1 in case of the very dilute solution. Elevation in boiling point, पहले हम क्या लिखते थे, delta TB equals to KBM, है ना, it is molality. So now we are writing, instead of now that formula, we have to now modify the formula, delta TB equals to I means vent of factor into KBM. Depression in freezing point, same way, delta T equals to I into KFM. KFM is the molality here. Osmotic pressure, पहले हम क्या लिखते थे, previously we are writing there, pi equals to CRT or pi equals to N2 by VRT. But now, instead of that one, we are using, but in case of association, dissociation, that's why I am saying, pi equals to I into CRT. These are the modified form. Now we have to find out when and where we should apply this form and when we should apply the simple form there. Okay, so now we are coming to the examples here. So now we are coming, one question is there, 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan, and at what temperature will water boil at 0.1.013 bar? This is normal atmospheric pressure, bar pressure that is. Kb for water, ebullioscopic constant is given to us 0.52 Kelvin kg per mole. Okay, so first we are finding out here, just cut it. Okay, so first what is given to us? Now this is a case of which one? Aapko kya find out karna hai? At what temperature will water boil? That means definitely अभी normal boiling temperature नहीं है, elevated है. मतलब क्यों elevated है ना, आपने solute dissolve किया. What is the solute here? Glucose is a solute here. So first we are applying here W2 equals to क्या है ना, 18 gram that is given. अच्छा molar mass M2 equals to what is given to us ना, C6H12O6 that is coming here. 12 into 6 plus 12 plus 16 into 6 that is coming here, 72 plus 12 and plus 96. That means it is coming 96 to 98 and it is 110 and 70, 180 gram per mole. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा ना, N2 equals to, अच्छा W2 by M2 already आपके पास given, W2 M2 हो गया. सॉल्वेंट क्या है ना, सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 केजी. ठीक है, तो पहले तो हम मोल फाइंड आउट कर लेते हैं. मोल क्या है, मोल ऑफ ग्लूकोज और सॉल्यूट इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, 18 बाय 180 दैट इज 0.1. ठीक है, और सो इट इज कमिंग 0.1 मोल. एंड तो मोलालिटी क्या आ जाएगा, तो मोलालिटी इक्वल्स टू 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 1 केजी ऑफ वाटर. तो 1 केजी सॉल्वेंट, दैट मीन्स व्हाट इज कमिंग, मोलालिटी इज कमिंग हियर अगेन वही 0.1, है ना, मोल पर केजी, मोल पर केजी. ठीक है, तो ये हो गया आपकी मोलालिटी. तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, टेम्परेचर वेयर वाटर विल बॉयल एट 1.01, क्योंकि नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें आपने ऐड किए हो. तो डेल्टा टीबी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाई फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी. क्योंकि हम इधर आई क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, बिकॉज इट इज नॉट अ केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. एट दैट कंडीशन वी कैन अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला. सो वॉट इज के बी है, के बी इज गिविंग टू आर 0.52, ये नॉर्मल वाटर की होते हैं. 52 into molality कितना है, 0.1, that means it is coming 0.052. okay, so अभी 0.052 हो गया elevation in boiling point, that is delta TB. तो normal boiling point क्या हो जाएगा, ये तो elevation है, difference है,
तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ना 37, नॉर्मल कितना है 373.15, और आपने क्या ऐड किया ना यहाँ पे शुगर आपने ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया, सॉरी ग्लूकोज ऐड किया, तो ग्लूकोज ऐड करने के कारण अभी और ये 373.115 नहीं है, एलिवेटेड हो गया है। कितना एलिवेटेड है उसका डिफरेंस मैंने निकाल लिया था 0.052, तो वी आर एडिंग देयर 0.052, दैट मीन्स इट इज कमिंग व्हिच वन 373 और इट इज 15, तो 15 मीन्स इट इज 2, इट इज 2, 5 5 10, 11 इट इज कमिंग 2.373, सो 373.202 केल्विन, दैट इज एक्चुअली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। Clear? So the here we are not applying the Wheaton Van't Hoff factor because here it is a normal condition. Next one, we are coming for next one more example. 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is KF is given to us 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. Okay. So what is coming to us? 1 gram of a non-electrolyte. So what is given to us? W2 equals to 1 gram. Clear? That's it. Dissolve in 50 gram of benzene and lower the freezing point. So W1 equals to which one? 50 gram. क्लियर? और डेल्टा TF है ना क्या गिवन है 0.40 केल्विन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF इक्वल्स व्हाट गिवन है 5.12 केल्विन kg per mole, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द M2 इक्वल्स टू व्हिच वन। क्लियर? So now, what is the formula? Now, delta TF equals to KF into W2 into 1000 divided by, it is coming about the M, means M is M2 into W1. Clear? This is the formula here you have to apply here. But what you have to find out? M2 you have to find out and delta TF we have given here. So now, M2 equals to KF into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. So what we have to apply now? KF ka formula kya hai na? 5.12 value into W2 kitna deke rakha hai aapke paas? 1 hai na? 1 gram into 1000 divided by, अभी क्या है आपके पास डेल्टा टी एफ कितना है 0.40, सो 0.40 और क्या है इसके साथ W1, सो W1 इज गिवन है 50 ग्राम। क्लियर? अभी क्या है ना इसको आपको फाइंड आउट करना है, सो इट इज कमिंग अबाउट द 5.12 0 हो गया और इट इज 4.5 20, so 20 and this coming here 256 gram per mole. Okay, this is the answer. Now we are coming for the third question where we have to apply. So this one is coming about which one? Elevation of boiling point, this is freezing point, and we are not applying here I. Nowhere we have applied here I because of here normal, it is the condition of the normal molar mass, not dissociation, not association is actually happening here. Now we are coming to the next condition where I have to show you that why we should apply here I, because it is a case of what is given to us, benzoic acid dissolved in benzene, so the depression freezing point equal to this one. Okay, association, so it is a case of which one? Association here, so 2 gram of benzoic acid formula bhi aapke paas dekhe rakha hai, C6H5COOH. Dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. मतलब डेल्टा टी एफ आपके पास देके रखा है, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी आपको देके रखा है 4.9 केल्विन केजी पर मोल. व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड?
इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो एट दैट कंडीशन फर्स्ट व्हाट यू हैव टू से, क्या क्या गिवन है ना, डब्ल्यू टू इक्वल्स टू गिवन है 2 ग्राम, देखो मैंने इधर से लिख लूँ, और सेकेंड कंडीशन इज गिवन टू अस 25 ग्राम, दैट मीन्स इट इज कमिंग. अच्छा, के एफ इज ऑल्सो गिवन है ना, सो मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट दैट मीन्स के एफ इज कमिंग है 4.9 केल्विन केजी पर मोल. अच्छा, फिर W1 क्या देके रखा है ना, 25 ग्राम है ना, यहाँ पे बेंजीन जो W1 मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से देके रखा है 25 ग्राम. और एक क्या देके रखा है, TF है ना, ये 1.62 केल्विन. देखो समझ में आए क्या क्या मैंने लिख लिया इधर, जो गिवन है वो मैंने लिख लिया इधर. तो इधर से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एसोसिएशन फैक्टर देके रखा है, इसका मतलब मुझे I अप्लाई करनी है इधर. ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर. तो आपको आई इधर जो अल्फा जो है वो अल्फा आपको फाइंड आउट करना है ना. ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसको फाइंड आउट करें. तो फर्स्ट एम टू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. एम टू इक्वल्स टू व्हिच वन है, वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे इधर, दैट इज के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम. एम टू तो इधर हो गए, तो डेल्टा टी एफ. ठीक है, तो के एफ हमें क्या है ना, 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है W1 25 इंटू इट इज कमिंग 1.62. ओके, सो 9.8 इंटू व्हिच वन इज कमिंग है ना 1000, 9.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई व्हिच वन 25 1.62 25. इट इज कमिंग हेयर 9800 डिवाइडेड बाई 40.50. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 40.50, तो 40.50 डिवाइडेड बाई 9800 तो इट इज कमिंग 0.07 है ना, 0.07 and 1. तो नेक्स्ट इट इज कमिंग हेयर 0, तो इट इज अगेन कमिंग 2 4 4 4, सो 0 2 16, 0 0 इट इज कमिंग 8, सो अगेन इट इज कमिंग 0, सो 2 40 4 0 6 0, तो 2 में तो ये हो जाएगा आपके 8 1 0 0, तो इधर आ जाएगा 1, सो 4 0 5 0, सो 0 5 9, इट इज कमिंग 3, तो पॉइंट इधर आ जाएगा 0, इट इज कमिंग हेयर 4 9 36, सो इट इज कमिंग 2 4 1.9. one more also you can give here, zero five one, 3 1 5 0, so it is coming again 0, so it is coming 7, yeah 8, 4 8 so 7 as either, so 4 9 7, and it is again it is coming here 5 28. So 0 5 2 3 3 2 5 0 0 again. So it is coming in 4 7 4 8 38, and 4 9 36. So 32. So 4 8 32. So 8 at least 7 to jaega jaega. So it is coming 4 2 4 1.977. That means it is coming 241.98. Okay. So it is coming about the gram per mole. What is it? We are finding out M2. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास कितने आए, 241.98. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग अबाउट द ये डाइमर कंडीशन. सो इट इज कमिंग 2C6H5COOH, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच वन ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू C6H5COOH होल टू, दैट मीन्स व्हाट विल बी कमिंग हेयर इफ वी आर डिस्कशिंग अबाउट द दिस इज वन मोल,
So it is coming about the 0 and 1 minus x, it is coming about which one? X by 2. That means what is the total? So total number of moles है ना after dissociation क्या आ जाएगा? ये dissociation नहीं है, association. तो association क्या आ जाएगा इधर? ना 1 minus x plus x by 2. That means समझ में आए? 1 minus x, इधर से 1 minus x और इधर क्या फॉर्मेशन हुआ है? x by 2. अरे एक मोल आए तो हाफ मोल प्रोडक्शन, दो है तो एक आए, ठीक है? तो इट इज कमिंग 1 minus x by 2 है ना. तो I क्या आ जाएगा? ना नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है ना, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है? तो नाउ वी आर कमिंग अबाउट द, ये तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू हो गए, ओके. सो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. सो व्हाट इज द नॉर्मल मोलर मास फॉर बेंजोइक एसिड? ना C6H5COOH सो इक्वल्स टू 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 तो 72 5 33 है ना 17 तो 72 प्लस 17 प्लस 33 इट इज कमिंग अबाउट द 50 एंड 72 इट इज कमिंग 122 ओके सो 122 ग्राम पर मोल इट इज कैलकुलेटेड वन नॉर्मल वन. एबनॉर्मल क्या मिला जो आपको इधर से फाइंड आउट हुआ कितना था हमारे पास 241.98. सो नाउ आई इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट डाउन आई इक्वल्स टू 122 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट 241.98 ओके सो व्हाट इज कमिंग हियर 122 बाय 241.98 सो इट इज कमिंग अबाउट द 241.98 or 122 it is coming about the which one point here it is coming 00 okay so it is coming point 0.0 so it is coming about the 599012 so it is coming about the 01 it is coming about the 0 it is coming 1010 and then again coming here 0 so 1010 so it is coming not coming here so 0 so again 0 so it is coming 25 so 25 is a 10 so that means it is coming 4 so now 0.504 and so ye ho gaya iski I to lekin aapko find out kya karna hai na x find out karna what you have to find out here x hai na to x equals to एक्स मीन्स विच वन ना डिसोसिएशन फैक्टर ये जो मैंने हम लोगों ने एक्स लिया ना दैट इज डिसोसिएशन फैक्टर तो डिसोसिएशन फैक्टर ही आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आपको फाइंड आउट करना है तो आई इक्वल्स टू दिस वन और आई इक्वल्स टू वन प्लस वन माइनस एक्स बाई टू तो हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स टू क्या है 0.504 तो x by 2 equals to what you can write down here 1 minus 0.504 that is coming here 964 है ना so 0.496 so x equals to what is coming here 2 into 0.496 means 0.992 so that means this is अगर 1 अगर एक मोल अगर ले रहे हो तो डिसोशिएट कितना हो रहे 0.992 तो 100 में से कितना आएगा अगर एक ले रहे हो शुरुआत की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 ले रहे हो तो कितना डिसोशिएट हो रहे ना एक में से 0.992 डिसोशिएट हो रहे 0.5404 दैट इज रिमेनिंग है ना तो एट इक्विलिब्रियम सो डेफिनेटली इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 100 में से 99.2% ओके सो दिस इज हेयर वी आर अप्लाइंग व्हिच वन आई because this is a case of which one na association ye association ki case hai
तो एसोसिएशन केस में हम क्या यूज करेंगे ना, पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है ना, एसोसिएशन फैक्टर मीन्स एक्स, जिसका हम लोग सी अल्फा भी बोल सकते हैं। तो सी अल्फा तो सी कॉन्सेंट्रेशन वन ही लिए है, तो इसको एक्स के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके हो इलेवेंथ में, तो यहाँ पे हम पहले क्या किया ना, मोलर मास को फाइंड आउट किया, कैलकुलेटिव वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है बाय गेटिंग दिस डाटा। हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से ये डाटा मुझे मिला है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने मोलर मास को फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने इसको क्या फाइंड आउट करना था, एक्स फाइंड आउट करना था, मैंने एसोसिएशन फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत में वन लिए थे और जब एट इक्विलिब्रियम में क्या, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दिस वन इज इनिशियल, दिस वन इज एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या था, वन माइनस एक्स, वन माइनस अगर एक्स डिसोशिएट हो गए तो कितने प्रोडक्शन होगा, डाइमर, डाइमर प्रोडक्शन होगा एक्स बाई टू, क्योंकि अगर दो लिए है तो एक प्रोडक्शन हुआ है, वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइमर, तो दो एक लिए हो तो एक्स बाई टू, मतलब एक्स लिए तो एक्स बाई टू है ना। तो अभी वन माइनस एक्स लिए मैंने तो प्रोडक्शन क्या हुआ, एक्स बाई टू। तो टोटल जैसे आई मतलब क्या, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ, वन माइनस एक्स है ना रिएक्टेंट की तरफ से, और प्रोडक्ट की तरफ से एक्स बाई टू, तो टोटल कितना हुआ, वन माइनस एक्स बाई टू। और शुरुआत में क्या था, तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बाई टू बाई वन, क्योंकि बिफोर एसोसिएशन वन था और आफ्टर एसोसिएशन ये हुआ वन माइनस एक्स बाई टू टोटल मोल्स। अब ये हो गया आई, और नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास से हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली कौन सा ना, आई का वैल्यू क्या होना चाहिए है ना। तो ये हो गया हमारे पास 0.504, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है, तो इसको अप्लाई करके हमें क्या फाइंड आउट कर ली, एक्स का। एक्स का मतलब क्या है, अगर मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वन ली तो ये एक्स कितना आ जाएगा, 0.992, मतलब एक में से 0.992 एसोसिएट हो जाएगा, बाकी 0.504 बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा सॉल्यूशन में एट इक्विलिब्रियम, और 0.5 जो 992 जो है दैट विल बी, सॉरी 992 क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और वन में से 0.8% रह जाएगा इधर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.992 को छोड़ के 0.008% दैट विल बी रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज क्या हुआ, 99.2% है ना, अगर वन में से 0.992 है तो 100 में से कितना आएगा, 99.2, ठीक है। सो रिमेनिंग कितना रहेगा, 1 माइनस 0.992, दैट इज कमिंग 0.008, ओके। ये हो जाएगा रिमेनिंग, ये रिमेनिंग, इसको आप पूछना जरूरत नहीं है, है ना, जरूरत इसकी है।